तालियों की आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए, मैं चाहूँगी सभी से तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे और आपके आने वाले भविष्य के लिए ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा अहम भी हो जाता है। बहुत सी नई चीज़ें आपको भी जानने के लिए मिलेगी, बहुत से नए एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पर समझने के लिए मिलेंगे, देखने के लिए मिलेंगे। तो तमाम जो हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे, हमारे CMO साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं स्टेज पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव CMO गुरुग्राम को आमंत्रित करना चाहूँगी। फिर मैं डॉक्टर DP गोयल फाउंडर एंड चेयरमैन कैनवन फाउंडेशन के हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। और साथ ही डॉक्टर मीत कुमार क्लिनिकल डायरेक्टर मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल बोन मैरो ट्रांसप्लांट हेमाटो ऑन्कोलॉजी, आप सभी से गुजारिश करूंगी स्टेज पर आइए। और ये जो फर्स्ट सेशन है इसकी शुरुआत करेंगे हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जी। गुलशन जी ओवर टू यू। हमारे साथ अभी तीसरे मेहमान यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जो मेहमान हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं मैं चाहूंगी गुलशन जी आप उन्हीं के साथ फिलहाल शुरुआत करें और जल्द ही हमारे तीसरे मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जो फरीदाबाद में मंच सजा है हेल्थ कॉन्क्लेव को लेकर, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ और सुधार होने चाहिए, लगातार ITV नेटवर्क जो है समय समय पर ऐसे प्रयास करता रहता है। और आज फरीदाबाद में हेल्थ कॉन्क्लेव है और हेल्थ कॉन्क्लेव में सबसे पहले गुड़गांव के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में डॉक्टर मीत कुमार हैं जो कि मेरिंगो हॉस्पिटल से हैं। और हम आज जानेंगे कि हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ और प्रयास किए जा सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव से। सर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर जिस तरह से कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, और इसका अर्थ भी यही है कि यदि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ सुखी है। तो सबसे पहले सर लोगों को क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल, ये हमेशा से पुरानी कहावत ही रही है और हमने देखा भी है। और आज के दौर में अगर बात करी जाए तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं, जिसको हम NCD बोलते हैं, वो बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल कहूँ या हमारा जो जीवन शैली बदल गई है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा, जहाँ पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से मैं ये कहूँ अगर बीमारियों का मेन कारण होता था या डिजीज़ का मेन रीज़न होता था, वो अब बदल के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी लाइफस्टाइल या स्ट्रेस या लाइफ के या हमारे खान पान की वजह से जो होने वाली बीमारियाँ हैं उनका जो है मेन अभी रोल हुआ है। इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं लेकिन क्योंकि जैसा अब आपका ये है, अपने पहले शुरुआत में किया कि हेल्थ कॉन्क्लेव है और हम क्या कर सकते हैं और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए उसकी बात करी जाए, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ मानव रचना में बैठे हैं यहाँ पर हमारे और भी स्टूडेंट्स या पैरामेडिक्स इस किस्म के कोर्सेज भी हैं, तो या आने वाले टाइम में आप अन्य जो हमारे साथी हैं बहुत सारे कार्डियोलॉजी से या अन्य उनसे वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इस बारे में, या आप उनसे पूछें। मैं आपको कुछ जो नए प्रयास करने की जो बात कर रहे थे ताकि लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा। एक बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ जो है 2021 में हमने उसकी शुरुआत की थी लेकिन उस लेवल तक हम नहीं पहुँच पाए। अब एक नाम अगर आपने सुना हो तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM बोलते हैं हम उसको। मेन जो हमारा जो प्रयास है यानी भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का या हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो इस काम में हम लगे हुए हैं, वो हमारा मेन प्रयास ये है कि हम सभी को एक आभा ID दें, एक यूनिक हेल्थ ID दें जिसकी वजह से आपका हेल्थ रिकॉर्ड बनना शुरू हो। उसके बाद आपका जो रिकॉर्ड है वो EMR जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जो है हम आपका क्रिएट कर पाएंगे। और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड को रखना बड़ा इजी रहता है, वो मैं आपको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसका यूज़ क्या होगा, अगर हमारे कोई भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को अगर हम आभा ID देते हैं और उसका EMR मेंटेन करते हैं, तो उससे मेन बेनिफिट उसके बाद जो एक टेलीमेडिसिन के इसके साथ जोड़ा जाएगा,
टेलीमेडिसिन से आप कहीं से भी, अगर आपके पास आभा आईडी है तो आप ई संजीवनी के माध्यम से, जो हमारी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज हैं, आप किसी भी स्पेशलिस्ट दूर दराज के इलाके में बैठ के आप वो ले सकेंगे। और आपका एबीडीएम अगर बना होगा, ईएमआर आपका मेंटेन होगा, तो उसके यूजेस क्या होंगे टेलीमेडिसिन से कंसल्टेशन लेने का? सपोज कीजिए आप पीएचसी में बैठे हैं और आपको कार्डियोलॉजी की कंसल्टेशन की जरूरत है, तो आप वो टेलीमेडिसिन से या ई संजीवनी से ले सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फार्मेसी अवेलेबल होगी, इसकी वजह से ही एबीडीएम जब आपका बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इससे क्रिएट होने वाली है या जिसका इसको जो मेन बेनिफिट आएगा, वो होगा आपकी हेल्थ जो डेटा है उसकी इंटेग्रेशन, एक सीमलेस इंटेग्रेशन कैसे होगी, क्योंकि एबीडीएम में जो हम आभा आईडी क्रिएट करेंगे वो हर इंडिविजुअल की आईडी होगी, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वो आभा आईडी में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ईएमआर रिकॉर्ड होगा वो सीमलेसली एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। यानी आप अगर चाहे आज फरीदाबाद में हैं, गुड़गांव में हैं, कल अगर आप मुंबई में हैं या कोलकाता में हैं, तो वो रिकॉर्ड अगर आप अपनी आभा आईडी उस इंस्टीट्यूट को देते हैं और अपना रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड अगर आप उसको प्रोवाइड करने के लिए परमिशन देते हैं, तो आपको सारी जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चाहे अपने ब्लड टेस्ट कराए हों, चाहे आपके एक्सरेज हों, चाहे सीटी हो, चाहे एमआरआई हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू दैट इंस्टीट्यूट एनीवेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन थ्रू आउट द कंट्री एंड नॉट ओनली वंस, हमेशा के लिए आपका रिकॉर्ड ये मेंटेन रहेगा। आपने डिजिटल दुनिया में डिजिटल के बारे में बताया, क्योंकि आयुष्मान भारत डिजिटल योजना और आजकल डिजिटल जमाना चल रहा है, तो इस डिजिटल की दुनिया में डिजिटल ही होना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर मीत कुमार हैं, जो कि मरिंगो एशिया हॉस्पिटल से क्लिनिक डायरेक्टर हैं और साथ में हेमाटोलॉजी, जो कि ब्लड कैंसर से के एक्सपर्ट हैं। अक्सर हम देखते हैं मीत कुमार जी कि इस समय अगर हम देश में कहें तो कैंसर से पीड़ित लोग काफ़ी, हम देखते हैं कि काफ़ी संख्या में हैं, और लोग जब कैंसर होता है लोगों को तो वो घबरा जाते हैं कि अब हमें कैंसर हो गया, अब शायद हम बच नहीं पाएंगे। तो आपको लगता है कि जिस भी पेशेंट में अगर कैंसर है तो वो कैसे बचा जा सकता है, क्या इसका उपाय है? गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले ये हेल्थ कॉन्क्लेव करने के लिए, डॉक्टर्स वीक मनाने के लिए, और जनता के साथ जुड़ कर के कुछ अच्छी भ्रमांक चीज़ों को हटाने के लिए। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम का उद्देश्य, पहला उद्देश्य यही है कि भ्रम फैलाने वाली जो चीज़ें हैं उनका निवारण करना चाहिए, उनका निवारण होना चाहिए। और आपने जो पहला सवाल पूछा है, मेरे को लगता है वो उसी दिशा में एक पहला प्रयत्न है। तो मैं गुलशन जी के माध्यम से और इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हम लोग 2024 में बैठे हैं। आज से हो सकता है 50 साल पहले यदि कोई व्यक्ति यह चीज़ बोलता कि भाई कैंसर का इलाज संभव नहीं है, तो वो शायद संभव था, मतलब वो चीज़ बोल पाना शायद सही था उस समय के लिए। किंतु आज की तारीख में 2024 में बैठकर भी अगर हम यही चीज़ बोलते हैं कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है, तो वो मिथ्या है, वो मिथ्या है और भ्रमांक है इस दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको तोड़ने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सर कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे बॉलीवुड ने कर रखा है। मैं एक भी मूवी आज की तारीख में, हिंदी मूवी आप पकड़ लीजिए, कोई भी हिंदी मूवी ऐसी नहीं बनी होगी जिसके अंदर कोई किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ और वो ठीक हो गया। तो आपके माध्यम से, बल्कि मैं ये जो बॉलीवुड है उनके निर्माताओं तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि इस प्रकार की भ्रमांक फैलाने वाली चीज़ों को रोकें और जनता को सही दिशा में मार्गदर्शन दें कि वह समय चला गया कि भी कैंसर से आज लोग ठीक नहीं होते हैं। आप हमारे अस्पताल में आइए, ओपीडी में आइए, ऑन्कोलॉजी के पेशेंट को देखिए, 100 में से 60 लोग ठीक होते हैं, आजीवन ठीक होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि किस स्टेज पे उनका कैंसर पकड़ में आता है वो मायने रखता है, किस प्रकार का कैंसर है वो मायने रखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किंतु सारी की सारी चीज़ों को मध्य रखने के बावजूद भी 100 में से 60 लोग ठीक होते हैं। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब और डॉक्टर डीपी गोयल साहब भी इस चीज़ को मानेंगे कि कैंसर के मरीजों को यदि आज हम लोग 2024 में बैठ के भी ये बोल रहे हैं कि कैंसर नहीं ठीक हो सकता, यह गलत है। कम से कम ब्लड कैंसर का मैं विशेषज्ञ हूँ, उसके बारे में 100% इसके बारे में बोल सकता हूँ, ब्लड कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। कैंसर क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसके बारे सर, में सर देखिए, मतलब मैं अपना बात करना चाहूँगा ब्लड कैंसर के बारे में और ब्लड से संबंधित कैंसरों के बारे में। तो उसके अंदर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जिस प्रकार के हम लोग ये सुनते हैं कि कोई सिगरेट ज़्यादा पीता है तो उसको फेफड़े का कैंसर हो जाता है, तंबाकू ज़्यादा खाने से मुँह का कैंसर हो जाता है, तीखा ज़्यादा खाने से पेट का कैंसर हो जाता है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ब्लड कैंसर्स के लिए कोई एक ऐसा कारण जिसकी वजह से ब्लड कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। लाइफस्टाइल
जो चीज़ें हम लोग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं और लाइफस्टाइल की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, वो इन जनरल हर प्रकार के कैंसर को बढ़ाता है। ये प्रकार के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हर प्रकार के कैंसर को बढ़ाते हैं, सिर से लेकर के पैर तक हर प्रकार के कैंसर को कंट्रीब्यूट करते हैं। किंतु कोई एक ऐसा क्या ऐसा कोई कारण, एक ठोस कारण है जिसकी वजह से ब्लड का कैंसर होने का संभावना बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ डीपी गोयल भी है, स्वागत है आपका भी। थैंक यू गुलशन जी। कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक हैं और कैनविन का नाम हरियाणा में तो अब सभी लोग जानते ही हैं और अब देश में भी आप लगातार काम कर रहे हैं इसको लेकर के। कैनविन फाउंडेशन आपने खोली और हमने देखा कि कोरोना काल में जिस तरह से आपने काम किया, चाहे वो प्लाज्मा की बात हो, चाहे वो वैक्सीन की बात हो या अन्य सुविधाएं की बात हो, क्योंकि उस समय एसेंशियल सर्विस भी काफ़ी बंद थी तो उसमें भी आपका काफ़ी अहम योगदान रहा। आखिर इस कैनविन खोलने का मकसद क्या था आपका, सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि स्पेशली आपने हेल्थ पे कॉन्क्लेव किया और पहला सुख निरोगी का आया और ये एक आम आदमी की मूलभूत जरूरत भी है और हमारी प्राथमिकता भी हेल्थ को लेके होनी चाहिए, तो आपने इस विषय को चुना है। जहाँ तक मैं अभी डॉक्टर समीत जी को सुन रहा था और हमारे वीरेंद्र यादव जी बहुत ही हमारे योग्य, हमारे सीएमओ साहब पूरे गुड़गांव को जिन्होंने परिवार की तरह कोरोना में संभाला, तो एक कैनविन फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य यदि होता है तो हम कई बार सरकारों को कोसते हैं, प्रशासन को कोसते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो कोई भी समाज का कोई भी काम है हम सबका इसमें योगदान होना चाहिए और एक सामान्य नागरिक हो या कोई भी एक सामाजिक संस्था उसको एक नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए जब इस तरह की आपदा पूरे देश में आती है तो हमें उसमें अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। कैनविन फाउंडेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक समर्पित सामाजिक संस्था है जिसका मकसद है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को एक आम परिवार तक अफोर्डेबल, अप्रोचेबल और एश्योरेबल बनाना है कि वो आपकी पहुंच में हो, कम पैसे में अच्छा इलाज भी हो, विश्वास के साथ भी हो और आपके नज़दीक में भी हो। तो हमने 2019 में इसकी शुरुआत की और जब माताजी को हमने 3 साल कैंसर में देखा तो बहुत दर्दनाक एक वो समय था 3 साल का जब मैं माताजी के साथ कैंसर की बीमारी में रहा, और उस दौरान मैंने देखा जब हम गूगल करते थे, अलग अलग संस्थाओं से सहायता लेने के लिए आगे आते थे, जब देखते थे कि गूगल पे ढूंढते थे कि कोई ऐसी संस्था हो जो हमारे को ये बता दे कम से कम कि हमारा इलाज ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, कहाँ थोड़ा सस्ते पैसे में अच्छे पैसे में इलाज हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई संस्था में दिखाई नहीं दी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम एक पहल हम इसकी करें, तो बस एक विचार से उसकी शुरुआत हुई और देखते ही देखते आज 5 सेवा पॉलीक्लिनिक गुरुग्राम में, एक कैनविन आरोग्य धाम, एक कैनविन आरोग्य रथ, जहाँ मात्र 100 रुपये ओपीडी में सभी तरह की सुपर स्पेशलिटी वहाँ पे डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं और आँख नाक कान गला जनरल फिजिशियन गायनी तो छोड़िए, सुपर स्पेशलिटी में जहाँ कार्डियो, जहाँ कैंसर के डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर, नेफ्रो के डॉक्टर, ये सभी डॉक्टर मात्र 100 रुपये ओपीडी में वहाँ पे करीबन गुड़गांव में, शायद गुड़गांव के कुछ साथी यहाँ उपस्थित हों, 2000 के आसपास परिवार प्रतिदिन सेवा लाभ ले रहे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होता। और जो आपने कोरोना समय की बात की तो मुझे तो बड़ा गर्व होता है, सीएमओ साहब इनके साथ मिलके हमने एक पूरक बन के काम किया और छोटा सा योगदान निभाने की जब ठानी तो जैसे एक यूनिक कॉन्सेप्ट हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किया कि रोटरी के साथ मिल के एक प्लाज्मा बैंक बनाया, तो उसमें करीबन 353 ब्लड डोनेशन कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से भी हुए और करीबन 700 लोगों की जान बचाने का काम कैनविन फाउंडेशन ने प्रत्यक्ष तौर पे किया। तो जब भी आप सच्ची नीयत से कोई काम करते हैं तो भगवान नीयत के अनुसार आपको बरकत भी देता है, लोगों का साथ भी मिलता है। तो आज देखते ही देखते आज एक मुहिम, एक विचार के तौर पे कैनविन फाउंडेशन आगे बढ़ गया है कि आज जो युवा कोई भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, देने की सोच से काम करना चाहता है, तो कुछ भी असंभव नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो विचार शक्ति के तौर पे आज कैनविन फाउंडेशन युवाओं को प्रेरणा देने का काम कर रहा है। मन में इच्छा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। सर, जिस तरह के हम देखते हैं कि हेल्थ सर्विस सेक्टर में, जिस तरह डीपी गोयल बता रहे थे कि एनजीओ का क्या योगदान रहा कोरोना काल में, आपने भी देखा आपके साथ मिलकर काम किया, आपको क्या लगता है कि हेल्थ सेक्टर सर्विस में एनजीओ का कितना योगदान होना चाहिए ताकि हेल्थ सेक्टर सर्विस की जो सेवाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके? बिल्कुल गुलशन जी, हेल्थ, अगर मैं सिर्फ हेल्थ सेक्टर की क्या,
अगर समाज में भी बात की जाए तो पूरे समाज को साथ लेके चलना चाहिए और सामाजिक संस्थाओं का रोल हमेशा रहता है। डीपी गोयल जी और कैनविन की ना केवल मैं ये कहूँ कि आज जो ये लो कॉस्ट में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि कोविड के टाइम पे इन्होंने प्लाज्मा बैंक रहा हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें और चाहे आयुष्मान या चिरायु जो हरियाणा की योजना निरोगी योजना में, उसमें भी इनका सहयोग रहा। ना केवल एनजीओ बल्कि कॉरपोरेट सेटअप में भी, जो सीएसआर में भी बहुत हेल्प मिलती है। अभी रिसेंटली सीएसआर में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिनको अब मैं अभी अपने आप ही के साथ में किसी के डिस्कस कर रहा था। नाउ वी आर प्रोवाइडिंग नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, और क्योंकि अचानक हमारी मैं ये कहूँ सीआर मशीन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर हुई, तो हमने सीएसआर में वो हमें मिली तो हम कंटिन्यू कर पाए। एक एग्जांपल सीएसआर का ये दूँ, सामाजिक संस्थाओं का, चाहे वो और भी अन्य संस्थाएँ भी हमारे, और आज मैं एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का भी मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूँगा, उनका भी सहयोग, जैसे मेदांता है, आर्टेमिस है, दोनों जो हैं हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं, इवन फोर्टिस, इन्होंने या तो निक्षेप पोषण योजना, जब टीबी एलिमिनेशन में इन्होंने हजारों मरीजों को जो है पौष्टिक आहार के लिए ना केवल आगे आए, बल्कि मेदांता जो है रेगुलर हमें एक बस सर्विस प्रोवाइड करवाता है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरेज और स्पूटम टेस्ट होते हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा आप सबको एक जान के, क्योंकि एनजीओज का जब आपने खास करके रोल किया, हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और गुरुग्राम में वो प्रोजेक्ट है सवेरा के नाम से, और ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हमने 6 ब्लाइंड गर्ल्स को ट्रेन किया, जो ट्रेन करी हुई लड़कियाँ थी हमारे पास, टोटली दे कैन नॉट सी फ्रॉम दी, जिसको कहना चाहिए अपने जन्म से नहीं देख सकते, उन 6 महिलाओं को हमने ट्रेन किया टेक्टाइल सेंसेशन एक टेक्निक से, जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती हैं एंड दे कैन डिटेक्ट दी ब्रेस्ट कैंसर या लंप जो है आपकी पेंसिल की टिप जितना, वो सिर्फ अपने हाथों से डिटेक्ट कर सकती हैं। आप इमेजिन करिए, वो 6 की 6 महिलाएं, एक हमारे सिविल हॉस्पिटल, एक पॉलीक्लिनिक और वजीराबाद में दो वो और बड़ी हैरानी की बात ये होगी, मैं उन बच्चियों की तारीफ करना चाहूँगा, वो खुद आते हैं, दे कम ऑल वॉक थ्रू करके अपने हॉस्पिटल में, यानी हमारे डिस्पेंसरी में आके वो बैठते हैं, वहाँ पर वो खुद ही महिला को एग्जामिन करते हैं और खुद ही वो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे उस महिला की फाइंडिंग जो है ब्रेस्ट लंप की या उसकी गांठ की एंट्री भी करते हैं। तो दे कंप्लीट वो 6 बच्चियाँ जो है, तो एनजीओज का रोल बहुत जगह है, यस टू लाइफ है वो भी ब्रेस्ट कैंसर पे, और भी है अलग अलग हैं बहुत सी, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है खास करके महिलाएं बैठी हैं, फिर एक जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत सी एनजीओज आगे आ रही हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया अलग अलग जैसे मल्टी स्पेशलिटी, अब कैनविन ने अपना एक अस्पताल भी खोला है, वो भी ये सर्विसेज ऑलमोस्ट जो सभी जगह, और सबसे अच्छी बात ये है कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और ये सभी आयुष्मान भारत में एम्पैनलमेंट में जो 5 लाख तक का जो इलाज है उसमें भी आगे बढ़ के सहयोग दे रहे हैं, तो उसमें भी एनजीओ और इस किस्म की सीएसआर इन सभी संस्थाओं का रोल जो है वो अहम रहता है। सीएमओ साहब आपने कहा कि एनजीओ, जैसे डीपी गोयल साहब ने कहा कि हम सस्ती दर पर जो है लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट की तरह अस्पताल आजकल खुले हुए हैं और अगर कोई भी मरीज वहाँ चला जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी अहमियत कितनी है पैसे देने की, लेकिन ये कोरोना काल में हमने देखा कि एक रेट निर्धारित हो गए थे कि इतने पैसे में ही आपको कोरोना का इलाज करना पड़ेगा। क्या ये लगता नहीं कि अब जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में अगर इसी तरह से लोगों को ये कॉर्पोरेट अस्पताल लूटते रहे, क्योंकि लूट शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारी खबरें आती हैं कि हमारा 20 लाख का बिल बैठा दिया और हमारा जो इंसान है वो भी चला गया, आप अपनी तरफ से क्या ऐसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों को कहना चाहते हैं जो मनमाना पैसा वसूलते हैं स्वास्थ्य के नाम पर, और क्या रेट निर्धारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, कोविड के टाइम पे अगर आपको याद हो तो चाहे वो आईसीयू की केयर हो या वार्ड की केयर हो, सभी के जो हैं मैं कहूँ मूल्यांकन या एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि इससे अधिक आप जो है पैसा नहीं ले सकते। ये प्रयास मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें अभी रूटीन में ये करना पड़ेगा ताकि निर्धारित हो सके कि इस कोई पर्टिकुलर सी
थोड़ा सा ये डायनेमिक इसलिए रहता है ये मेडिकल फील्ड, ये कैनॉट, ये आप श्योर शॉट नहीं हो सकते कि सिर्फ ये कर दिया तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, या हर आदमी इतने दिन को ही स्टे करेगा। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल आल्सो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उस पर भी बढ़ जाती है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एग्जैक्टली उसको फिक्स कर दिया जाए। हाँ, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं और संभवतः प्रयास इसमें जारी है। पहला प्रयास तो इसमें हो चुका है, दूसरा प्रयास की मैं बात करना चाहूँगा कि हर प्रोसीजर का एक सीमा तय कर दी जाए कि किस प्रोसीजर का ये निर्धारण होगा, और लेवल ऑफ हॉस्पिटल्स के हिसाब से भी, जैसे NABH और उनमें जो है मैं ये कहूँ कि प्राइस का या ट्रीटमेंट कॉस्ट का डिफरेंस रहता है, तो एक शायद हमें वो वक्त आ गया है कि हमें हर प्रोसीजर का कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। एक जो सबसे ज़रूरी बात जो आप कह रहे हो और कोशिश सरकार इसमें क्या करी है, हमने संभवतः डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे इस बात से, हमने जो खास करके अगर जैसे मैं पेसमेकर की बात करूं, मैं स्टंट्स की बात करूं, और वो स्टंट चाहे आपके एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड हों या अन्य जगह के स्टंट्स हों, और जगह भी स्टंट्स यूज होते हैं आपको जैसे मालूम है, चाहे वो किडनी से स्टंटिंग हो या किसी यूरिनल, ये सभी चीज़ें जो भी जितने भी उनके हमने मूल्य जो हैं या उनकी प्राइस कहूँ वो निर्धारित कर दी है सरकार ने। आप एक फिक्स्ड इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते एक पर्टिकुलर स्टंट का, कोटेड अनकोटेड ड्रग कोटेड स्टंट जिसको हम बोलते हैं, तो मूल्य जो है वो निर्धारण कर दिया गया। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, संभवतः हमें प्रोसीजर्स का और एक डे केयर या एक वार्ड का या एक मूल्य निर्धारण करने का संभव लोग आगे माने कि इस पर लगाम लग सकती है। बिल्कुल प्रयास जारी है, मुझे लगता है जल्द ही इस बारे में भी कुछ किया जाएगा। डॉक्टर मीत से जान लेते हैं। मीत जी, मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल जो कि आपने, आप ब्लड कैंसर के एक्सपर्ट भी हैं, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं लोगों को आप जागरूक कर सकें इससे संबंधित, अब तक आपने क्या क्या काम किए हैं? धन्यवाद कुलचंद जी। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा पहले आपके पिछले सवाल से, जैसे वीरेंद्र साहब ने बताया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हॉस्पिटल्स को आज की तारीख में काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कि मरीज़ के देख करके उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको इलाज ऑफर किया जाए, तो ये हम लोग एज डॉक्टर्स हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के लिए इलाज एक जैसा नहीं हो सकता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से उसको इलाज एक तो मिलना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने सर अपने जो बहुत ज़रूरी चीज़ पूछी कि ब्लड से संबंधित समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके अंदर जागरूकता फैलाने के लिए हम क्या करते हैं, मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उसके अंदर हमने कुछ मुहिम चला रखी हैं। जैसे वीरेंद्र यादव जी ने बताया, सीएमओ साहब ने बताया कि सवेरा करके उन्होंने मुहिम चलाई है सरकार के आधिकारिक, इसी प्रकार से हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है रक्तवीर। रक्तवीर का अर्थ है जिस भी व्यक्ति को या उसके परिवार में किसी भी व्यक्ति को रक्त से संबंधित कोई भी समस्या है, मैं अस्पताल का नाम इंटेंशनली ना लेते हुए ये बोलना चाहूंगा डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी उनके साथ खड़ा रहना चाहता है, रक्त से संबंधित किसी को भी अगर समस्या है, वो अगर पैसा नहीं भी दे सकता है उसके बावजूद उनकी सहायता करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी खड़ा है, और जहां तक हमारे लिए संभव होता है हम लोग उसको आउट ऑफ द वे जाकर के करने की कोशिश करते हैं। ये तो हुई सहायता करने की बात। जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग अलग अलग माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आज की तारीख में ब्लड कैंसर यानी रक्त कैंसर अलग है और सॉलिड कैंसर अलग है। कैंसर का मतलब आज की तारीख में मेडिकल ऑन्कोलॉजी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही नहीं होते, ब्लड से संबंधित यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ होती है तो हेमेटोलॉजिस्ट हैं और उनके पास आपको जाना चाहिए। अपने आसपास में जो भी हेमेटोलॉजी के डॉक्टर्स हैं उनको ढूंढिए और उनके पास जाकर के उनसे ओपिनियन लीजिए कि ब्लड से संबंधित समस्याओं के लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है। यह चीज जागरूकता के माध्यम से फैलाने के लिए लोगों के बीच में जाकर के हम कैंप्स करते हैं। हमारी कोशिश है, बल्कि यदि हमें अनुमति मिलेगी सीएमओ साहब के ऑफिस से, हम उनके साथ मिलकर के कुछ उनकी गाइडेंस में कुछ इस प्रकार के कस्बों के साथ मिलकर के उनके अंदर अनीमिया डिटेक्शन कैंप्स अगर संभव होगा तो वो करेंगे। अभी मलेरिया डेंगू का सीजन आ रहा है, उसके अंदर क्या हम लोग प्लेटलेट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो जागरूकता के माध्यम से, जागरूकता फैला करके लोगों को बताई जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी शायद कि 100 में से 99 लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं कि मेरा प्लेटलेट काउंट 40,000 रह गया है या 30,000 रह गया है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, किसी भी व्यक्ति का यदि प्लेटलेट काउंट 25,000 से ऊपर है तो उस व्यक्ति को प्लेटलेट की कमी की वजह से कभी ब्लीडिंग नहीं हो सकती,
ये साधारण सी बात है, आपने जिस तरह से सीएमओ साहब से सहयोग मांगा, आईटीवी नेटवर्क और इंडिया न्यूज हरियाणा भी लगातार हेल्थ सेक्टर से जुड़े में क्या क्या लोगों को जागरूक किया जा सकता है ये भी प्रयास करता रहता है, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि आपके साथ मिलकर जो सीएमओ साहब हैं वो आपके साथ मिलकर काम करें और लोगों को जागरूक करें। सीएमओ साहब के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। डीपी गोयल जी से जान लेते हैं। गोयल साहब, हम कैनविन एक ऐसा नाम है जो सबके दिलों में इस समय छाया हुआ है, क्योंकि अक्सर गुड़गांव की बात करें, क्योंकि गुड़गांव में मैं भी रहता हूं, और गुड़गांव में जिस तरह से कॉरपोरेट अस्पताल हैं, जैसे मैंने सवाल भी सीएमओ साहब से किया कि आप तो सस्ती दर पर सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं केवल पैसा कमाने के लिए, आपकी तरफ से क्या लगता है कि उन पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, और आगे कैनविन और क्या क्या लोगों के बीच में सुविधाएं देने वाला है? गुलशन जी, मैं थोड़ी सी दूसरे की बातें कम करता हूं, लेकिन मैं एक ओवरऑल सुधार कैसे हो सकता है मेडिकल फील्ड में, इस पे मैं कुछ विचार रखना चाहता हूं, क्योंकि बड़े अस्पतालों में जो आज जो सिस्टम है, जो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर होता था, ये सेवा के साधन होते थे, सेवा के प्रकल्प होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये बिजनेस बन गए हैं। आज हॉस्पिटल की टॉप मैनेजमेंट सर्विसेज को बेटर कैसे करना है, जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आज उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ। मतलब ये कड़वा सच है, मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें कोई, मैं किसी के एक पार्टिकुलर किसी के लिए नहीं बात कर रहा। आज डॉक्टर की सैलरी आप ये देख के देते हैं कि आप कितना हॉस्पिटल को रेवेन्यू देते हैं, तो उसका फोकस रेवेन्यू पे ज़्यादा रहता है बगदाए कि उसको अच्छी सर्विसेज मिली या नहीं मिली। आज कैनविन फाउंडेशन, मतलब सॉरी मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सर्विसेज बड़े अस्पताल सारे देते हैं, लेकिन आज बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल ये देखते कि मुझे आईपीओ लेके आना है अपना, तो उसके लिए मुझे कितने रेवेन्यू को कैसे आगे बढ़ाना है। आज जितने भी बड़े हॉस्पिटल की चैन देखेंगे, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, आज वो आईपीओ लाने के लिए बस लगे पड़े हैं। आज उनके रनिंग जो हॉस्पिटल चलाने वाले लोग हैं, वो ओनर सीए ओनर हो गए उसके। आप थोड़ा सा ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन एक उसका सुधार कैसे हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये इकोसिस्टम से हमारा सुधार होगा। पर सरकार, प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं और आम जन, इन चारों लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक अपना व्यवहार बनाना पड़ेगा। सरकार का क्या रोल हो सकता है? आज जैसे हम बात करते हैं, टोटल हमारे बजट का, जो इंडिया का टोटल बजट है, उसका 1.98% लास्ट ईयर हमारा बजट में कंट्रीब्यूशन था हेल्थ सेक्टर का, इस बार 1.84 हो गया। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले लाइन अपनी बात की शुरुआत करी, पहला सुख निरोगी काया, सरकार को भी और ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा कि बजट में कम से कम 3.5% या 4% हमारा बजट का हिस्सा हेल्थ सेक्टर को देना पड़ेगा। एम्स हमारे 7 से 22 हो गए, लेकिन और ज़्यादा हमें रिमोट एरिया में जाके काम करने की जरूरत है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़े, इस पे मैं काम करना पड़ेगा। हॉस्पिटल भी हो गए, एम्स भी हो गए, लेकिन क्या वहाँ पे डॉक्टरों की संख्या पूरी है, नर्सिंग की हमारी संख्या पूरी है? आज भी हम डेफिशिएट करते हैं, करीबन मैं देखता हूँ कि 40% से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हैं। आप हरियाणा की बात पार्टिकुलर करें, जब डॉक्टरों की संख्या पूरी नहीं होगी तो सर्विसेज कैसे पहुंचेगी? तो जो सरकार का रोल है वो ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बढ़ाएं, आप उनके साधनों को इजी आउट करें, और साथ में साथ आप डॉक्टर की और नर्सिस की संख्या भी वहाँ पर पूरी करें। अब आ गया प्रशासन, प्रशासन की जिम्मेदारी क्या हो सकती थी? जैसे मैं सीएमओ साहब का पर्सनल बहुत बड़ा फैन हूँ, इन्होंने जिस तरीके से गुड़गांव शहर को संभाला, एक रोल मॉडल बन के, एक अफसर, 8 बजे अफसर आप जाके 8 बजे अपने सारे लोगों की मीटिंग ले रहे हैं, कौन अफसर 8 बजे पहुंचता है? इस तरीके से हर प्रशासन के हर आदमी को जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से आगे आना पड़ेगा। प्रशासन का और क्या रोल हो सकता है? अपनी टीम में, जैसे हम कहते हैं उसको, इनाम की पॉलिसी और पनिशमेंट की पॉलिसी दोनों लानी पड़ेगी। हमारा कोई भी जिले स्तर का अफसर है, उसको अपनी अपनी टीम में जो अच्छा काम कर रहा है, मंथली इंसेंटिव दीजिए उनको, आप उनको एक्नोलेजमेंट दीजिए, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिले। मैं ज़्यादा 2 मिनट में ही बात पूरी करूंगा। तीसरी, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, आज सरकार की ऐसी बहुत सुविधाएं होती हैं जो आम जन तक पहुंच ही नहीं पाती। आज चिरायु है, आयुष्मान है, इतनी अच्छी हमारी फैसिलिटी है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि वो जाके कहाँ लेना है, कैसे कार्ड बनेगा। तो सबसे बड़ा रोल मैं सामाजिक संस्थाओं का मानता हूँ, चाहे वो RW चाहे हमारी जैसी NGO है, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, जागरूकता और जन भागीदारी, इसके लिए NGOs को आगे आना पड़ेगा।
और जो चौथा जो है आम जन है उसको भी देखना पड़ेगा कि जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें और जो अच्छे लोग हैं उनका साथ दें, जहाँ अच्छा और सस्ता इलाज मिलता है। तो अपनी बोध का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, क्योंकि हम खड़े के खड़े ना रहें। और जो भी ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल ने आपके साथ गलत किया है, डॉक्टर ने गलत किया है, तो उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई करें जिससे उस पर नकेल खींची जा सके। तो इन चारों कड़ियों को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा और इकोसिस्टम डेवलप करके हमें इस हेल्थ सेक्टर को नहीं किसी भी चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। मेजर जो रोल है उसमें मैं बीच वाली कड़ी का मानता हूँ प्रशासन का, क्योंकि वही मोटिवेट करने का काम लोगों को और एनजीओज को करते हैं और वही सरकार तक अपनी बात पहुँचा के काम करते हैं। तो प्रशासन को इन चारों पिलर्स में थोड़ा सा और मजबूती से काम करना पड़ेगा जिससे हमारा ना केवल स्वास्थ्य स्वस्थ होगा बल्कि एक बहुत बड़ी जन जागरूकता के साथ हम एक अच्छे सिस्टम को हम डेवलप कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक कैनविन आरोग्य धाम के बारे में भी आप जनता को जागरूक करिए, क्योंकि शुरुआत जब हमने देखी थी तो एक से हुई थी, लेकिन आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैनविन आरोग्य धाम में किस तरह की सुविधाएं आप लोग देते हैं। गुलशन जी, जैसे मैंने बताया कि आपकी नीयत अच्छी है, आपके प्रयास जो निरंतर रहते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल आता है। सबसे पहले हमने शुरुआत की जन जागरूकता से, जैसे मैंने बात की, हमने एक पोर्टल बनाया ऑनलाइन कि हम लोगों को बता सके कि कैंसर ठीक कैसे हो सकता है। तो उसके बाद हमारा आर्टेमिस हॉस्पिटल से पहला टाइप हुआ कि हमारे रेफरेंस से कोई जाएगा तो 25% डिस्काउंट उसे मिलेगा। 1000 रुपये वाली फीस डॉक्टर की 750 रुपये हमने करवाई, तो हमें लगा कि यार 750 रुपये में हम 25% कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमें लगा कि यार ये काम और सस्ता हो सकता है, आम जन के लिए और सुविधा हो सकती है। तो हमने जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं उनसे टाई अप करना शुरू किया कि अलग अलग बीमारी में हम आपको पेशेंट देने का काम करेंगे। हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए, कैनविन की एक थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाई। उसके बाद जो 300-400 रुपये फीस वाले डॉक्टर हैं उन तक हम कनेक्ट करने का काम करने लग गए और 54 हॉस्पिटल से हमने टाई अप किया। उसके बाद लैब सर्विसेज हैं, आपके डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, इनको भी हमने डिस्काउंटेड करके इसको ईज आउट कराने का काम किया। फिर उसके बाद कैनविन पॉलीक्लिनिक आरोग्य धाम, जहां मात्र 100 रुपये ओपीडी में हम सेवा दे रहे हैं, उसके साथ साथ 3 ऑपरेशन थिएटर, मदर चाइल्ड की सुविधा, हमारे निक्कू वार्ड, सारी सुविधाएँ बाजार से लगभग 1/3 कॉस्ट पे हैं। तो जब वॉल्यूम क्रिएट होता है तो अफोर्डेबिलिटी भी आती है और सस्टेनेबिलिटी भी बन जाती है और यूजर्स बढ़ के हम उसको अफोर्डेबल बना सकते हैं। जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे ले लेते हैं कि गुड़गांव में अभी भी जो लोग हैं वो हॉस्पिटल को देख रहे हैं कि कब गुड़गांव का हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा, क्योंकि 700 हॉस्पिटल बेड का हॉस्पिटल तो आपने घोषणा कर दी काफी समय हो गया। गुलशन जी, मैं इस बात में ऐड करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा दर्द है और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि गुड़गांवा को एक नहीं 4 हॉस्पिटल की जरूरत है और 2 तो प्रस्तावित है। कृपया करके इस काम को जल्दी करिए। आप एक ऐसी मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए, कोई स्पेशल ऑफिसर्स की टीम बनाइए जो इस काम को जल्दी शुरू भी कर सके और इस काम को जल्दी समाप्त करके लोगों तक वो सुविधा पहुंच सके। ले लेते हैं सीएमओ साहब से, ले लेते हैं। सीएमओ साहब तो बड़ी कोशिश करें, बेचारे क्या करें, सरकार तक बात आप लोग पहुंचाएंगे क्योंकि जरूर तुम दोनों की बराबर है। सीएमओ साहब, जनता को बता दीजिए कब मिलेगा हॉस्पिटल। मैं आप सबको सूचना देना चाहूंगा कि कृपया ये शब्द जो है इस्तेमाल ना करें, ये दर्द आपका जल्द दूर होने जा रहा। और आज मैं ऑथेंटिकली आपको बताता हूँ, बहुत जल्द आपको खुशखबरी इस बारे में मिल जाएगी। 700 बेड के हॉस्पिटल की ड्राइंग और डिज़ाइन जो है वो अप्रूव हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए और कुछ चीज़ों के लिए फाइल की जो है मुझे लगता है कि अगले सप्ताह या 10 दिन के अंदर आपको बहुत कुछ इस बारे में मिल जाएगा। और ये अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट और संभवतः हिंदुस्तान का, मतलब जब हो जाएगा तब मैंने वर्ड संभवतः यूज़ किया, अदरवाइज आई एम श्योर कि ये हिंदुस्तान का पहला 700 बेड का सिविल हॉस्पिटल होगा जिसमें हेलीपैड या एयर टैक्सीज की जो सर्विसेज है वो भी उपलब्ध होगी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के साथ साथ। और दूसरा, मैं गुड़गांव वासियों के लिए और हरियाणा वासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अभी जो सेक्टर 67 की जो था वहाँ पर भी हम एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए उसकी फाइल भी भिजवा दी है और वो भी लैंड जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफ़र
हो गई है, तो आने वाले दिनों में कि आपको एक 700 बेड का और एक 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संभवतः इसी साल में आपको कोई ना कोई, मतलब 700 बेड की तो मैं महीना भी कह सकता हूँ, विद इन वन मंथ, नॉट दिस मंथ तो विद इन वन मंथ, और दूसरे का विद इन दिस ईयर, दोनों आपको खुशखबरी मिल जाए। इंडिया न्यूज हरियाणा भी यही उम्मीद करता है सर कि जल्दी ही गुड़गांव वासियों को 700 बेड का हॉस्पिटल मिले, लेकिन बार बार तारीखें तो आती रहती हैं आपकी, लेकिन इस बार तारीख बढ़नी नहीं चाहिए, ये उम्मीद हम भी करते हैं। तो डॉक्टर मीत कुमार, जाते जाते आप भी एक छोटा सा बता दीजिए कि कितने प्रकार के शरीर में कैंसर होते हैं, और फिर हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मैं यही बोलूँगा कि कैंसर, आप अगर बात करें कि सर से पांव तक जितने शरीर में अंग हैं उतने प्रकार के कैंसर होते हैं, और जितने प्रकार के अंग हैं हर प्रकार के अंदर कम से कम 5 प्रकार के कैंसर होते हैं, तो आप मूलतः इस तरह से बात सकते हैं करीबन 70 से 90 प्रकार के कैंसर तो शरीर के अंदर होते ही होते हैं। हर कैंसर को पकड़ने का तरीका हो सकता है सेम हो, बट उनको इलाज का तरीका अलग होता है। अपने कोई भी जाते जाते एक मैं जरूर चीज़ बोलना चाहूँगा, किसी भी अगर संदेह कब करना है कैंसर हो सकता है, कोई भी ऐसी सिम्टम जो कि लगातार बना रह रहा है, ठीक होता है वापस आ जाता है, ठीक होता है वापस आ जाता है, वजन है कि गिरता ही जा रहा है, बुखार है कि ठीक ही नहीं हो रहा है, खांसी है ठीक नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा लक्षण हो जो लगातार बना हो, अपने नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करें, कैंसर विशेषज्ञ का अपनी उनकी राय लें, हो सकता है वो छुपा हुआ कैंसर हो, जो कि जितना जल्दी उस कैंसर को पकड़ा जाएगा उतना जल्दी उसको ठीक किया जाएगा, परमानेंटली ठीक करने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीत जी, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, डीपी गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत। अगला एपिसोड जल्दी आपके सामने शुरू करते हैं। थैंक यू गुलशन जी, और मैं हमारे तमाम गेस्ट्स हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अभी नीचे ना जाएं, स्टेज पर ही रहें, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो सेशन ख़त्म होने के बाद डॉक्टर्स जो अपना योगदान इस सेक्टर में देते हैं, लोगों के लिए जो मदद करते हैं, जो समय देते हैं, उसको प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में हमारा जो अवार्ड है सुश्रुता अवार्ड, उस अवार्ड से मैं चाहूँगी कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे डॉक्टर्स को सम्मानित करें। तो मेमेंटो से सभी डॉक्टर्स को वीरेंद्र यादव जी सम्मानित करें, और इससे उनका एक उनको प्रेरणा भी मिलेगी, उनको मोटिवेशन भी मिलेगा, आगे किस तरह से उनको काम करना है उसको लेकर भी किस तरह से उनको प्लानिंग करनी है। जी, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी सम्मानित करेंगे डॉक्टर डीपी गोयल, फाउंडर एंड चेयरमैन कैनवेन फाउंडेशन। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और जोर से बजनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका हमारे सभी की जिंदगियों में होती है। साथ ही डॉक्टर मीत, क्लिनिकल डायरेक्टर मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल। और डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी, उनको भी ये सम्मान मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा मदद हो रही है। मैं चाहूँगी हमारे सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप जी उनको मेमेंटो देकर सम्मानित करें उन तमाम कामों के लिए जिससे लोगों का जीवन जो है सरल हो रहा है, लोगों को स्वास्थ्य के सेक्टर में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है।